आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटर मशरूम विद ग्रीन ग्रेवी। वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम की रेसिपी, वो भी ग्रीन ग्रेवी के साथ में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और उसमें डालूंगी एक दालचीनी का स्टिक, एक बड़ी इलायची, एक दो छोटी इलायची और थोड़े से लौंग और काली मिर्च, और इसी में डाल दूंगी दो तेज पत्ते और बारीक कटे हुए दो मीडियम साइज के प्याज। इनको ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। अभी मैंने इसमें दो ग्रीन चिली डाला है स्लिटी हुई, और अभी डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, और इसको भी भून लेंगे हम। अभी डाल देंगे मशरूम। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 कप जितना फ्रेश पीज। अभी एक छोटी सी बाउल में हम लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लेंगे रेड चिली पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें मसाले का, एक घोल बना लेंगे। और अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मशरूम को मैंने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और अभी इसी में डाल दूंगी ये मसाले का घोल। इसको भी भून लेंगे। अभी मसाले भी अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी। इसको भी सब्जी और मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे। सब्जी और मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, तभी फाइनली बारी है जिससे हमारी ग्रेवी ग्रीन बनेगी, ये है पालक की प्यूरी। इसको हम डालेंगे और इसके साथ भून लेंगे। ये मैंने पालक को बॉयल नहीं किया है, मैंने कच्चा ही इसका प्यूरी बनाया है। भूनेंगे इसको अच्छे से और अभी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट।
और अभी इसको 2 मिनट हम ढक करके पकने देंगे। पालक भी भुन चुका है बहुत अच्छे से, तो इसी स्टेज पे हम डाल देंगे 1/2 कप जितना पानी। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। मिक्स कर देंगे अच्छे से और वापस मीडियम आग पे इसको 2 मिनट पका लेंगे। अभी 2 मिनट हो चुके हैं और हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। पूरी तरह से ये तैयार है, तो अभी हम गैस को करते हैं बंद। तो तैयार है हमारे मटर मशरूम ग्रीन ग्रेवी में। इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से धनिया के पत्तों से और थोड़ा सा इसको इसके ऊपर ग्रेट करेंगे चीज़। ये रेसिपी एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।